और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का पाकिस्तान पर हमला हुआ है और ईरान ने इस हमले का दावा किया है। ड्रोन के जरिए और मिसाइल के जरिए यह हमला किया गया है। ईरान का पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर यह हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईरान और पाकिस्तान कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे के आमने सामने अक्सर रहते हैं और दिसंबर में ही कुछ यहां पर तनातनी दोनों के बीच देखने को मिली, लेकिन अब एक बड़ा दावा ईरान की ओर से निकलकर सामने आ रहा है और ईरान का यह कहना है कि कई सारे आतंकी ठिकाने ऐसे हैं पाकिस्तान पर जहां पर उसने अपने ड्रोन के जरिए और मिसाइल के जरिए हमला किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईरान का यह बड़ा दावा निकलकर सामने आया है, पाकिस्तान पर हमले की जिम्मेदारी एक तरीके से ईरान की ओर से यहां पर ली गई है और ईरान का पाकिस्तान के कई सारे आतंकी ठिकानों पर उसने अपने हमले यहां पर किए हैं। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, और क्या जानकारी आ रही है? देखिए, दिसंबर के महीने में बलूच जो आतंकी संगठन है, वहाँ का उग्रवादी संगठन है, उसने ईरान के एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था जिसमें 11 ईरानी पुलिस के लोगों की मौत हो गई थी और बताया जा रहा है कि उन्हीं जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके, संदीप, और शायद उसी का बदला यहाँ पर ईरान की ओर से एक तरीके से लिया जा रहा है।